गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन विद द लेसन नंबर सेकंड, द एडवेंचर ऑफ टोटो फ्रॉम योर बुक मोमेंट फॉर द नाइन्थ क्लास. द ग्रैंडफादर ऑफ राइटर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेटिंग वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स. ही वेंट टू द टोंगा ड्राइवर एंड बोट a monkey. It was named Toto, giving him 5 rupees. Grandfather loved Toto very much. And one day when he goes to Saharanpur to withdraw his pension, he took Toto along with him. There the ticket collector charged 3 rupees for Toto and called it a dog. It annoyed This remarks annoyed grandfather and he became very angry. Till here we have read it. So today we will resume the rest part of this lesson, The Adventures of Toto. Let's see what happened next. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. जब फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया फैमिली के द्वारा, तो उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया रहने के लिए, स्टेबल अस्तबल जहाँ पे हॉर्स वगैरह रहते हैं. वेयर ही हैड फॉर कंपेनियंस द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पे उसके पास और फैमिली एनिमल्स थे उनके साथ वो रहा, जिसमें डोंकी नाना नाम का भी था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, स्टेबल में पहली रात टोटो की, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल. ग्रैंडफादर जो है राइटर का, वो टोटो को देखने के लिए वहाँ पे जाता है स्टेबल में, कि ही वॉन्टेड टू सी दैट वेदर इट वॉज कम्फर्टेबल और नॉट. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उसको सरप्राइज होता है नाना को पाकर क्या हुआ आगे, विदाउट apparent cause, बिना किसी स्पष्ट कारण के, clear reason के, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. बिना किसी कारण के अपनी जो नकेल बोलते हैं जिसको, halter, उसको खींच रहा था, to keep her head as far as, उतना दूर जितना संभव हुआ, from the bundle of hay, घास का जो ढेर था उससे अपने आप को इतना दूर करा जितना वो कर सकता था, अपनी नकेल को खींच के डोंकी जिसका नाम नाना था. ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लिप अक्रॉस हर हंसेस. अब ग्रैंडफादर जो एंटर किया, ही वांटेड टू सी वेदर हिज पेट मंकी वाज कंफर्टेबल, वाज हैप्पी विद द रेस्ट ऑफ एनिमल्स. व्हेन ही सॉ इट वाज Donkey was pulling its halter as much as he could. He went inside and gave him a slap on haunches. उसके पीठ पे पीछे उसने एक थप्पड़ दिया. And she jerked back, dragging Toto with her. और उसने एक झटके के साथ जो खींचा, Toto उसके साथ आ गया. He had fastened on to her long ears with a sharp little teeth. जो donkey था उसके कान को टोटो मिस्चीवियस मंकी ने काट लिया था, अपना जो दांत वो उसमें गाड़ दिया था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना जो कि डोंके था, कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने. एक ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज ए लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. For his bath, great treat for Toto. Toto के लिए सबसे बड़ा जो treat ये था कि बड़ी खातिरदारी ये थी सर्दियों में कि उसको गर्म पानी देते थे नहाने के लिए. ए लार्ज बाउल, एक बहुत बड़ा कटोरा उसको नहाने के लिए गर्म पानी का, हॉट वाटर का देते इन द विंटर सीजन बाय द ग्रैंड मदर इटसेल्फ. ग्रैंड मदर खुद देती थी. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो बड़ी चतुराई से वाटर का टेम्परेचर चेक करता. देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू बाथ, फिर वो बाथ जो टब था उसके अंदर एंटर होता. फर्स्ट वन फुट देन द अदर,
पहले एक फुट फिर दूसरा पैर रखता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, अब राइटर कहता है उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो गर्दन तक पानी में नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे उसमें एंटर करता। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड एंड फिट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, फिर वो साबुन लेता, साबुन से पूरी बॉडी में वो रब करता, रगड़ता साबुन को ऑल ओवर पूरे शरीर पे। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा होता, ही वुड गेट आउट ऑफ इट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब वो व्हेन वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा होता, तो पानी से बाहर निकल के किचन में जो फायर होता, चूल्हा होता, उसमें अपने आप को सुखाता। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए वो किचन में दौड़ के जाता। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, अगर उस पर कोई हंस पड़ता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ये काम करते हुए, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो को बड़ा दुख होता। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद दिस बाथ, फिर वो अगले दिन नहाने से मना कर देता। अगर उसके ऊपर इस परफॉर्मेंस पे अगर कोई हंसता तो वो क्या करता, मना कर देता बाथिंग से। वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो अपने आप को बॉयल कर लेता, उबाल लेता। कैसे? ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर द टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। एक दिन टोटो क्या हुआ कि पानी की जो केटली जो होती है उसको गर्म करने के लिए, चाय के लिए रखा। टोटो के पास कोई काम था नहीं, वो उसको जो लीड था, ढक्कन था केटल का, वो हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, पानी को गर्म पाकर ही गोट इन, वह अंदर एंट्री कर गया पानी में। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने सिर अपना बाहर निकाला, बाकी जो बॉडी थी, रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट फ्रॉम हेड, वो पानी के अंदर एंटर रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय तो ये बड़ा अच्छा लगा, विंटर सीजन में हॉट वाटर, ही फील वेरी गुड। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू ना हुआ तब तक ठीक। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, थोड़ा सा अपने आप को उसने बाहर निकाला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर के एनवायरमेंट में ठंड पाकर सेट डाउन अगेन, फिर पानी के अंदर जो हॉट वाटर था उसमें बैठ जाता है। ही कॉन्टिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वो उछलता है पानी में। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, पानी में रहता है जब तक कि उसकी जो दादी थी राइटर की, वहाँ पे आती है, होल्ड हिम, उसको बाहर निकालती है कि वो उससे पहले कि उबल ना जाए पानी में, क्योंकि हॉट वाटर था, उबल रहा था, तो वो टोटो भी ही कुड डाइड, ही माइट डाई। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर दिमाग का हिस्सा शरारत में अगर विकसित होता है तो वो हिस्सा टोटो का कम्प्लीटली डेवलप्ड था, बिल्कुल एक मैच्योर माइंड हो चुका था एज फार एज मिस्चीफ इज कंसर्न्ड। He was always tearing things to pieces, हमेशा इन चीज़ों को फाड़ देता, टुकड़े टुकड़े कर देता। Whenever one of my aunts came near him, जब उनमें उसके घर में जो फैमिली मेम्बर थे, उसके चाची वगैरह, तो उसके नज़दीक आते, he made every efforts to get hold of her dress and tear a hole in it, उनके पास जाता और उनके कपड़े, जो उसकी घर में महिलाएं थी, मेम्बर्स थे, फैमिली मेम्बर, उनके कपड़ों को वो फाड़ देता। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, एक बार की बात है, डाइनिंग टेबल के ऊपर पुलाव जो डिशेज उन्होंने सेंटर में बीच में रख रखे खाने के लिए। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब राइटर कहता है कि हमने एंटर की डाइनिंग हॉल में, तो हमने फाइंड किया कि टोटो राइस स्टफिंग ठूस रहा था, जल्दी जल्दी खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, फिर मेरे कहता दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, फिर टोटो मिस्चीवियस था,
उसने एक प्लेट दादी के मुंह पे दे मारी। वन ऑफ माई ऑन्ट रस्ट फॉरवर्ड, फिर उसकी एक चाची आगे दौड़ी एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, फिर उस चाची के ऊपर उसने पानी का ग्लास उड़ेल दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जब grandfather ने एंट्री की उस रूम में तो टोटो डर के वहाँ से भाग गया, खिड़की से होते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गया। We found him in the branches of jackfruit trees. फिर हमने पाया कि jackfruit कटहल के पेड़ के ऊपर वो जो मंकी था टोटो वो चढ़ जाता है। And his still in his arm, और जो डिश थी खाने के अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon, पूरी दोपहर वहाँ पे रहा। Eating slowly through the rice, सारे के सारे चावल वहाँ पे खा गया। Determined on finishing every grain, और दृढ़ निश्चय था कि सारा का सारा उसको ख़त्म करना है। And then in order to spite grandmother, फिर दादी को चिढ़ाने के लिए, who had screamed at her, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, he threw the dish down from the tree, फिर उसके ऊपर जो डिश थी जो पोट वगैरह बच के उसकी दादी पे फेंक दी उसने। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेस, फिर दादी के ऊपर वो खूब हंसा, चैटर की उसने, दांत खिटखिटाए। ओबियसली टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट वी कुड की फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब राइटर अल्टीमेटली ग्रैंडफादर एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी वर सिक ऑफ टोटोज मिस्चीवियस एक्टिविटीज and eventually they said that obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long, ki Toto ko ab hum aur zyada samay tak nahi rakh sakte the. Even grandfather realized that, dada ne bhi, grandfather ne bhi ye mehsoos kiya. We were not well to do, writer kehta ki hum zyada rich nahi the and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper, जो कि वो टीरिंग कर रहा था टोटो, उसको दे कुड नॉट अफोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम द लॉस ऑफ दिस इज कर्टेन, सारे जो टीयर अप करता वॉल पेपर एक्सेट्रा। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। फिर ग्रैंड फादर ने जो टोंगा ड्राइवर था ही लुक्ड फॉर हिम एंड अल्टीमेटली ही सोल्ड द मिस्चीवियस मंकी, दे वर सिक ऑफ दिस मिस्चीफ ऑफ दिस मंकी and sold it back to the same tonga driver worth 3 rupees back. So students, I hope you enjoyed this lesson. Toto, the very mischievous naughty monkey who spoiled writers very precious things like curtains, books, blazer, etc. So this kind of mischievous were become unaffordable for the writer and grandfather, so they had to sell it to the same person, tonga driver. So this is very interesting story. I hope you enjoyed well. Time and again read it and enjoy this story and try to understand it. Try to frame as many questions as you can. Till then, keep practicing, keep learning. Have a great day. May God bless you all.